मुंबई के नज़दीक ठाणे शहर में एक प्रेमी की तरफ से अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचलने और जान से मारने का प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें आरोप लगा महाराष्ट्र के MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर, जो कि पिछले 4.5 साल से शादीशुदा था, लेकिन शादी की बात उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से छिपाई हुई थी। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद गायकवाड़ ने प्रिया सिंह को बेरहमी से पीटा और कार से कुचलकर मारने का प्रयास भी किया। वहीं इस मामले में एक बार फिर से प्रिया सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कल रात कुछ पुलिसकर्मी आए थे, वे मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया सिंह ने बताया कि उनके पास वकील नहीं थे और ना ही उनके परिवार के कोई सदस्य थे, लेकिन पुलिस वाले हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे थे। प्रिया सिंह ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले नाराज होकर चले गए। प्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बस न्याय चाहिए। हालांकि प्रिया सिंह की मांग है कि आरोपी पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल पुलिस वाले आए थे कुछ दो मेरे पास रात में, उनको जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेली थी, तो मेरे फैमिली मेंबर में से भी कोई नहीं था, बट देवर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। फिर सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई, फोन करवाया, मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी अभी कुछ भी साइन, आप कल आइए, मेरी फैमिली मेंबर होंगे तभी मैं करूंगी। वो बोल रहे अभी तो कर ले बेटा, मैं कल आता हूँ, कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए। मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट। रात में आए थे जी? हाँ जी, 10:30 के बाद। क्या किसी का दबाव बनाया जा रहा है? सर मुझे नहीं पता, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे कि 307 लगाया जाए। 307 की मांग मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, बट 307 नहीं लगाया गया है। उस पर मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं है अभी डालने के लिए। आरोपी ये कह रहा है कि आप जो है सेटलमेंट के लिए बात कर रहे हो, सर वो मराठी में लिखा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बताया था उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके सेफ्टी के लिए है कि आपको कोई धमकी अनॉल नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं आया है क्योंकि मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, बट इनडायरेक्टली लोग बोल रहे हैं कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, ये वो करके कुछ मतलब नहीं है। एक्सीडेंट प्रूव कर रहे थे क्योंकि मेरी इवन मेरी वो जो लेडी कांस्टेबल पुलिस वाली थी उनसे मेरी बहस भी हुई है, उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला दिस इज नॉट एक्सीडेंट, आप देख रही हो, एक्सीडेंट होता तो इतनी मीडिया और ये सब चीजें नहीं होती, 7 दिन से मैं एक ही चीज झेल रही हूँ, तो उनसे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर मैं सबसे पहले 307 लगवाई है, उसके बाद बात मुझे पुलिस से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, सर मेरी तबीयत खराब है। सरकार की तरफ से या कोई मुलाजिम कोई व्यक्ति मिला? आई बिलीव, मैं अपने प्रधानमंत्री और सीएम पे बहुत बिलीव करती हूँ और मीडिया पे भी बिलीव करती हूँ सर, बस जस्टिस चाहती हूँ मैं, और प्लीज मेरे बारे में गलत गलत एलिगेशन मत लगाइए, या मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इट इज इफेक्टिंग मी मेंटली। अभी फिलहाल आई एम द ओनली वन हु स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे को बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली तो आप लोग देख ही रहे हो, 7 दिन हो गया है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आई वर्क एज अ फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल, मेरे लिए मेरा करियर जा चुका है, तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सपोर्ट करिए रदर देन पुटिंग रॉन्ग एलिगेशंस एंड ऑल, बिकॉज मेरे पास भी बहुत कुछ। स्टॉप सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, वो सब मेरे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे देंगे हम, धीरे धीरे देंगे। हॉस्पिटल सर MRI के लिए ले जा रहा है मुझे, क्योंकि मेरे बैक में भी इंजरीज है काफी। वहीं आपको बता दें कि अब प्रिया सिंह मामले की जांच SIT को सौंप दी गई है, जिसमें अश्वजीत, अनिल गायकवाड़ और अन्य को आरोपी बनाया गया है। सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। Probably, the offense has been registered under section 279.338, 323.504.34 IPC. In which primary investigation has been done by the local police station investigation officer and by the orders of respected commissioner of police sir Thane, the SIT has been today SIT has formed, in which senior PI Kasar Vadavli,
एंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्री रुमने, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्री राम पाटिल, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रचना गुरुले अलॉन्ग विथ कॉन्स्टेबल्स द एस आई टी हैज इन्वेस्टिगेट द डिटेल टेक्निकल एंड द विटनेसेस एंड वॉट एवर द facts which will disclose in the investigation, the SIT will go through. Sir, We are investigating and inquiring the all the witnesses and the suspected accused and other witnesses, and the investigation is going on. Sir, till now, how many statements have been done of the witnesses? Still, we have recorded 3 statements of witnesses. हालांकि प्रिया सिंह का आरोप है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, पुलिस उन पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रही है और इसके साथ ही प्रिया सिंह ने 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।